बाबा बालकनाथ मंदिर देवर सिद्ध गुफा का उद्घाटन होने के बाद पूजा करते श्री श्री 1008 राजेंद्र गिरी जी महाराज, बरसों बाद ये खुशी की खबर मिली है जो कि भक्तजन बरसों से इंतजार कर रहे थे। और कैसे दिखता है बाबा बालकनाथ जी की गुफा का नजारा? हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवर सिद्ध में रोज कोई न कोई निर्माण कार्य चलता रहता है। ये निर्माण कार्य भक्तों के लिए सुविधा हेतु चलता रहता है, जैसे कि कार पार्किंग, रोड रिपेयर, लाइट, सरा, पौड़ियों की मरम्मत, कैंटीन, ऐसे बहुत से कार्य निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन बाबा बालकनाथ देवर सिद्ध माथा टेकने के लिए 7 से 8 घंटे लगते थे, जो कि भक्तजन एक एक करके दर्शन करते थे। इसी के लिए बहुत लंबे समय तक मीटिंग चलती रहती थी और बहुत से इंजनों की तरफ से भी मॉडल दिखाए गए, लेकिन किसी न किसी कारणवश पास नहीं हो पाए और इसी के चलते बहुत लंबे समय तक ये कार्य रुका हुआ था। मानो बाबा बालकनाथ जी का हुक्म नहीं था, लेकिन अब बाबा बालकनाथ जी का हुक्म हो गया है। उत्तरी भारत में प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवर सिद्ध में रविवार को 20,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। मंदिर न्यास की ओर से डेढ़ माह पूर्व गुफा को रास्ते को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा था। इसके चलते सभी श्रद्धालु चबूतरे से ही दर्शन कर रहे थे। अब गुफा का काम पूरा होते ही इस बार श्रद्धालुओं ने चबूतरे की जगह गुफा के बाबा बालकनाथ जी के दर्शन किए। और मंदिर न्यास की ओर से गुफा में नए रास्ते की शुभारंभ किया गया। मंदिर परिसर पूर्व में जहां गुफा में एक एक श्रद्धालु ही दर्शनों को जा पाता था, अब एक साथ कई श्रद्धालु गुफा के दर्शन कर सकेंगे। और वहीं महिलाओं को भी चबूतरे से दर्शन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस दौरान बाबा बालकनाथ मंदिर में महंत राजेंद्र गिरी जी ने कहा कि बाबा बालकनाथ जी की गुफा के दर्शनों को अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। प्रसिद्ध शक्ति पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवर सिद्ध में बाबा बालकनाथ जी की गुफा तक पहुंचने के लिए संग पौड़ियां और गुफा के दर्शन करने के लिए बने चबूतरे में कम जगह होने से जहां पहले श्रद्धालु को 8 से 9 घंटे तक लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ता था, अब 2 से 3 घंटे में बाबा जी के गुफा के दर्शन हो जाएंगे और 5 से 7 श्रद्धालु एक साथ बाबा जी के दर्शन कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, अब श्रद्धालु आसानी से गुफा के आगे बने चबूतरे से आराम से दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि गुफा के दर्शनों के चबूतरे व पौड़ियों का विस्तारीकरण का कार्य पूरा हो गया है। और कार्य पूरा होने के बाद रविवार को इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। और इस अवसर पर बड़े बड़े अधिकारी और विधायक श्री श्री राजेंद्र गिरी महाराज जी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर विधायक ने बाबा बालकनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित बाबा बालकनाथ धाम पुस्तक का भी विमोचन किया। साथ ही सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में श्रद्धालु अब 1100 रुपए देकर हवन करवा सकेंगे। हवन करवाने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। सप्ताह में 2 दिन बुकिंग होगी, जबकि हवन रविवार को ही होगा। पाल जोगी की गुफा में दर्शनों को लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष पहुंचते हैं और करोड़ों रुपए का चढ़ावा बाबा बालकनाथ जी की सेवा में अर्पण करते हैं, लेकिन इसे और भी खुला करने की मांग पिछले कई वर्षों से अटकी पड़ी थी, जबकि अब इसका कार्य संपूर्ण हो गया है। और अरुण राय बाबा बालकनाथ ट्रस्ट के सदस्य भी हैं और इनके सहयोग से बाबा बालकनाथ जी की तपोस्थली शातलाई में भक्तों के लिए पूरा वर्ष लंगर चलता रहता है।
ये कार्य कई चरणों में किया गया था। पहले चरण में बाबा बालकनाथ जी की गुफा और जाने वाली पौड़ियों और दर्शन स्थल का विस्तारीकरण और सौंदर्यकरण किया गया है और आने वाले समय में भक्तों के लिए जगह जगह वर्षशाली का शौचालय और बिजली की विशेष सुविधा और पार्किंग का विशेष प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए करोड़ों का बजट भी पास हो चुका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से बाबा बालकनाथ मंदिर को पर्यटक की दृष्टि से विकसित करने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है और आने वाले समय में और भी बहुत सी सुविधाएं की जा रही हैं, जैसे कि बाबा बालकनाथ की गुफा से शातलाई तक बनेगा रोपवे और महंत राजेंद्र गिरी महाराज जी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास दिलाया है कि समय समय के साथ भक्तों की हर सुविधा के लिए महंत प्रशासन मंदिर न्यास प्रशासन मंदिर के विस्तारीकरण के भारी हैं और आने वाले समय में भक्तों को पहले से ज्यादा सुविधा मिलेगी। गुफा दर्शन स्थल और गुफा तक पहुंचने के लिए बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। बाबा बालकनाथ मंदिर पूरा वर्ष दूर दूर से भक्तों का आना जाना लगा रहता है। शनिवार और रविवार और चैत्र मास के मेलों के दौरान भक्तों की भीड़ लाखों की आंकड़े पार कर जाती है। आने वाले समय में बाबा जी के भक्तों को खाने रहने और बाबा जी की गुफा के दर्शनों के अलावा पर्यटन की दृष्टि से बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप सभी को जय बाबा बालकनाथ जी की जय।